अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने सिल्वर प्लेटिंग को पढ़ा था, तो आज आए पढ़ते हैं क्रोमियम प्लेटिंग किस तरीके से होती है। बेटा तमाम असूल वही फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, जिस चीज़ की प्लेटिंग करनी है हमें उसको एनोड पर जोड़ेंगे, और जिसके ऊपर करनी है प्लेटिंग उसको कैथोड पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी वही तरीका हमने अपनाया है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से होती है। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच क्रोमियम क्या बेटा, एक मेटल है, इस कोटेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिकली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल या बेस मेटल इज कॉल्ड क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, मेटल कोई सा भी होता है, लेकिन स्टील भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई दूसरा मेटल हो तो वो बेस मेटल होगा आपका। ठीक है, तो समझ लो क्या कहते हैं बेटा, क्रोमियम प्लेटिंग कहते हैं। तो इसके अलावा सोचिए, ये स्पून है हमारे पास, स्टील का है। ठीक है, स्टील का है, हम चाहते हैं इसको क्रोमियम प्लेटिंग करके इसके ऊपर क्रोमियम मेटल की जैसी खासियत ले आएँ। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कैथोड पे जोड़ना पड़ेगा स्टील स्पून को, अगर उसको हमें क्रोमियम की प्लेटिंग करनी है। और क्रोमियम मेटल को आपको इसको जोड़ना पड़ेगा एनोड से। किसको जोड़ना पड़ेगा, एनोड से। ठीक है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है बेटा, एनोड, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है कैथोड। ओके, एसिडिफाइड कॉपर क्रोमियम सल्फेट, एसिडिफाइड क्रोमियम सल्फेट यानी कि एसिड की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में बेटा, एसिड की मौजूदगी में, और एसिड हो सकता है H2SO4। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें मौजूद होगा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और मौजूद होगा बेटा क्रोमियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला आगे Cr2SO4 3। ओके, इस टेकन एस इलेक्ट्रोलाइट टू प्रोड्यूस क्रोमियम आयन। तो बेटा इसको लेंगे हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इसमें प्रोड्यूस होगा क्रोमियम आयन Cr3+, यानी ये पानी में डिजॉल्व होने के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज जब होगा तो Cr3+ इसमें मौजूद होगा इस इलेक्ट्रोलाइट में। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट होना बड़ा ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, वरना हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक ये जो इलेक्ट्रो प्लेटिंग का प्रोसेस है ये हो नहीं पाएगा। तो आयन्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रोमियम मेटल सर्व एस एनोड, तो ये मेटल कौन सा बेटा, क्रोमियम है। हर बार की इस बार इस तरह भी दोबारा लिख दिया, ये क्या बेटा, क्रोमियम, जिसको एनोड से जोड़ेंगे। एंड अदर मेटल इज यूज एज कैथोड, कोई दूसरा मेटल कोई सा भी हो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। ओके, तो हमने स्टील लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है। खैर, तो फॉलोइंग केमिकल चेंजेस टेक प्लेस इन क्रोमियम प्लेटिंग, क्या होगा बेटा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा, क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला देखिए Cr2SO4 3। ठीक है, क्रोमियम सल्फेट, तो ये क्या बेटा, देखिए इसमें रिएक्शन की दो डायरेक्शन है, फॉरवर्ड भी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है। तो जो ये पूरा कम्प्लीटली तौर पे आयोनाइज नहीं होगा, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, चलिए जितना भी होगा वो किस फॉर्म में होगा बेटा, Cr3+ और सल्फेट के फॉर्म में। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं रिएक्शन एट एनोड की तरफ। तो एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम मेटल क्या करेगा बेटा, एनोड पर ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये है बेटा क्रोमियम मेटल। ठीक है, एनोड पर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अभी क्रोमियम के पास पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो क्रोमियम की वैलेंसी होती है बेटा 3+। ठीक है, तो जब इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 3+ आ जाएगा, तो मतलब इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ठीक है, बैटरी की मदद से तीन इलेक्ट्रॉन एक क्रोमियम से, एक क्रोमियम एटम से निकले, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए किस तरफ जाएंगे बेटा, कैथोड की तरफ। और जब कैथोड की तरफ आएंगे तो आयंस मौजूद होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, Cr3+ क्रोमियम आयंस, वो किसकी तरफ बढ़ेंगे बेटा, कैथोड की तरफ बढ़ेंगे, और कैथोड पर जो लगा होगा उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और इस तरीके से क्या हो जाएगी, क्रोमियम प्लेटिंग हो जाएगी। तो क्रोमियम मेटल ने तीन इलेक्ट्रॉन लूज किया Cr3+ में, घुल गया इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए बेटा कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा बेटा, जो Cr3+ जो मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, वो अपने तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा बेटा, Cr मेटल बना लेगा। और इस तरीके से क्रोमियम प्लेटिंग हो गई इस स्पून पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।